आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं जो ये मैथ का जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे पहले मैंने चार पार्ट जो डाला हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चन को आप अभी तक ले जो है ना नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चन को आप जाकर देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो गेसिंग किया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे हूबहू जो है ना आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि छप जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट फुल रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, समझे। कॉन्सेप्ट मैं आपको बनाना है और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, समझे, कि आपको पहले भी पता है कि जो है किसी भी मैथ में की बात किया जाए तो उसमें कॉन्सेप्ट ही पूछता है, ठीक है। बाकी बात जो है नंबर थोड़ा सा नहीं इधर से उधर चेंजिंग रहता है, तो आपको नंबर पर ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आपको ये चैलेंजिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चैलेंजिंग वीडियो में आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन में से जिनमें से आपको 45 जवाब देना है, ठीक है। और मेरे आंसर से पहले आपको जवाब देना है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको है ना ध्यानपूर्वक समझना है, कोशिश करना है देख देख के, ओके। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और काफी शानदार क्वेश्चन गेसिंग किया गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है देखिए, कहता है आपके पास यहाँ पर देखिए, कहता है 2, 10 और 20 के लसा और मसा क्या बोले अनुपात निकालने के लिए। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, समझिए, सबसे पहले आपको लसा और मसा निकाल लेंगे और उसके देन उसके बाद जो है ना आपको यानी क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो पहले आपको लसा का वैल्यू लिखना है, उसके बाद क्या करना है, मसा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लसा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है ना एलसीएम होता है, अब मसा का मतलब क्या होता है, एचसीएम होता है, ओके। तो एचसीएम और एलसीएम निकालना है, ओके, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 10 को तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, तो 10 को हम लिखेंगे बाबू 2 × 5 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए 20 को क्या करेंगे, तो 20 को करेंगे सर जी 2 × क्या लिखेंगे, 2 × और यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 4 = 20 हो जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ कहता है कि वैसी संख्या जो सभी में मिलता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 है और 2 है, तीनों में मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन इसमें 5 है नहीं है, तीसरा ऊपर वाला है तो 5 है ही नहीं, तो ये तो लिखाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी इधर नहीं है 2, तो अब तो लिखाएगा नहीं, ठीक है। एच सी एफ आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है एल सी एम, एल सी एम, ओके। एल सी एम कैसे निकल गया, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एल सी एम का खास बात ये है कि सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिख देंगे और जो न भी मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर 5, 5 मिल रहा है, ठीक है, तो 5 लिख देंगे और गुने और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या नहीं मिल रहा है ना, 5 नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिला इसमें, ठीक है, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, देखिए तीनों में, ठीक है, तो 2 लिख देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 10, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। आपको था अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात पहले क्या बोला, लसा और मसा का ना, तो लसा का मतलब 20 और बट्टा मसा का मतलब 2, ठीक है, 2 × 2 और 5 × 2 = 10, तो 1 अनुपात क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, ओके। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, समझिए। आपको ऊपर वाला है ना हमेशा है ना अनुपात में लिखा था, नीचे वाला 1 लिखा है, ठीक है, इस तरह से आप अनुपात ले देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ और काफी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो ना हूबहू जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको आराम से जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना, ठीक है। 144 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब फैक्टर तो रहेंगे, ठीक है, तो 7 × 2 = 14, फिर लाएंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा, फिर से लाएंगे तो क्या होगा जी, तो 18 हो जाएगा, फिर से लाएंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 का सिर्फ पूछा है, तो 2 देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 गुण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ओके। हाँ चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न बच्चों यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 के बढ़ते हो, और 3 में काफी इंपोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक समझिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए कथा क्वेश्चन 45 और 60 का क्या है, मसा निकालने के लिए, ठीक है, क्या निकालने के लिए, 45 और 60 का मसा निकालने के, ठीक है।
तो मसा कैसे निकालेंगे बताओ, ठीक है? तो आपको पता है ना मसा निकालते हैं, ठीक है, आराम से। दोनों में से सबसे पहले एसटीएफ आपको निकालना है ना, एसटीएफ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करें, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 60 है, तो हम 60 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 45, ठीक है? अब गुणे 45 से आप कितना में गुना करेंगे, या तो 60 पड़ जाएगा नहीं तो उससे कम होगा, ठीक है? तो 45 में अगर 2 से गुना करता हो तो 90 हो जाता है, लेकिन 90 तो है नहीं, 60 पुराना है ना आपको, तो 45 में 45। अब 60 में से 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा ना जी। अब यहाँ देखिए लास्ट में 0 नहीं ना है, इसको फिर से हम ये आपका बी होता है, ये आपका आर होता है, इसको हम लिख देंगे, ठीक है? तो बी को लिख देंगे, उसके बाद हम आर को लिखेंगे, ठीक है? तो आर का मान कितना, 15। 15 45 कितना मतलब 3 बता, ठीक है? 3 मतलब 15 45, 45 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, लास्ट में 0 आएगा। अब देखिए ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, बी का मान हमेशा ए सी एफ होता है, ठीक है? ए सी एफ का मान कितना हुआ, 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ओके? हाँ बिल्कुल, ठीक है? इस तरह से भी बना सकते हैं, या एक तरीका और है जो आप बचपन में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? 45 ले लेंगे, इस तरह से 60 ले लेंगे, ठीक है? 45 1 या 45, इसके बाद 15 बच जाएगा, और 45 ले देंगे, ठीक है? 15 के बराबर 45 कितना होता है, 3 मरता है, 15 45, ठीक है? ये जो संख्या काटा है वो कितने के बारे से कटा है, 15 के बारे से, हमारा ऐसे हो जाएगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं, और 4 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ कथा है, एक अशून्य संख्या, अशून्य पद में, मतलब अशून्य पद में और एक अपर में संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अशून्य पद में और तो मतलब क्या होता है, पद में होगा, ठीक है? तो पद में संख्या 2 लीजिए, अपर में संख्या क्या होगा, अपर में संख्या मान लीजिए यहाँ पर ना 3 भी ले लेते, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है? जब इसको गुना करेंगे, गुणनफल का मतलब गुना करेंगे, तो 2√ क्या होगा, 3, ये क्या आ रहा है, पढ़ में कि अपर में, तो अपर में ना आ रहा है, तो ये क्या आएंगे, अपर में, हमेशा अपर में होगा, ठीक है? याद रखें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ओके? हाँ बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ते हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडी है इसीलिए खांसी हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है? तो जो रूट से बाहर निकलता है वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है? तो देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय, अपरिमेय है, ठीक है? लेकिन पाई का मान क्या होता है, पाई का मान जो है ना 22/7, यह आपका क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? √7 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है परिमेय, ठीक है? 16 का रूट बाहर निकल जाएगा 4, 25 का कितना होगा, 5, ये हमारा क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ये तो होगा नहीं, ठीक है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर 6 के बढ़ते हैं, और 6 में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है, √7 है, √7 क्या है, तो देखिए जो रूट से बाहर नहीं निकलता क्या कहलाएगा, अपरिमेय, तो √7 अगर इसके जगह पर 9 रहता तो 3 निकल जाता है, लेकिन √7 नहीं निकलता है, क्योंकि √1 का जो है ना 1 होता है, ठीक है? रूट जो है ना 4 का 2 होता है, √9 का जो है ना 3 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर √5 6 7 8 ये सब नहीं आया, ये सब सभी जो है ना, ये सब जो है ना जितना कहलाएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ओके? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं, 7 में काफी संदर्भ दिया हुआ कथा, संख्या 2.13.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1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 .
डॉट डॉट खास तौर से दिखना, ठीक है, डॉट डॉट है तो अप्रमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रमेय कहलाएगा, इस बात को याद रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं में दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय नहीं है? तो अप्रमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या? अप्रमेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट साहब ये अप्रमेय संख्या है, लेकिन आपसे पूछ रहा नहीं है, प्रमेय संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। रूट 7 ये, रूट 13 ये भी अप्रमेय, रूट 25 नहीं है, क्योंकि रूट 25 का कितना होता है, ठीक है, 5 होता है, बाहर निकलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते 9 में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 के शून्य क्या हुआ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 उसका शून्य निकालने के लिए 0 बैठाएंगे। अब गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 1 2 × 2 = 2 कितना हुआ? 3, ठीक है। ये प्लस में रखेंगे तब ना जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 में गुना दें तो यह भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, अब सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस में 2 आया और इधर क्या आया? प्लस में 1 आया, ठीक है। जब शून्य निकालना है तो 0 बैठाएंगे, शॉर्ट कट नियम लगा देना है। जब यहाँ पर कोई अंक ना हो तब ये नियम लग सकता है, ठीक है।
ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस ये भी प्लस में है तो उधर आ जाएगा तो माइनस, ठीक है। तो -2 -1, ऑप्शन देखिए -2 -1, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक घात वाले रैखिक बहुपद के कितना घात होता है, तो एक होता है, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे दिया हुआ कहता है यदि समीकरण k(x-5x)2 और तथा k(x+2y)7 तो कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है, a1 by a2 = b1 by b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 by c2, ये ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब a1 का मान क्या है, k है, ठीक है। तो k लिख देंगे, बट्टा में a2 का मान कितना भैया, तो a2 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, बराबर। b1 का मान कितना है, तो -5 है तो -5 लिख देंगे, बट्टा में b2 का मान कितना है, तो भाई b2 का मान आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, हाँ 2 दिया हुआ, ठीक है। तो 2 लिख देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको तो आपको नॉट इक्वल टू है ना, ये तो आपको करना है, दोनों में से आपको k का ना मान निकालना है, इसलिए मैं आपको यहाँ तो इधर तो k है ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको क्रॉस गुना कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 से k में गुना, तो 2k बबुआ और यहाँ से 6 5 कितना हुआ, 30 बबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बबू, यहाँ पर 2 से काटेंगे बबू, तो k बराबर क्या होगा, -15 बबू, ठीक है। k का मान क्या होगा, -15। ऑप्शन देखिए बबू कहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो k का मान, नहीं 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 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हो गया भाई, अच्छा अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर double 5 दिया ना क्या, ओके यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा -15 कर देना बाबू, ठीक है। ऑप्शन डी होगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कहता है काफ़ी शानदार, कहता है 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या क्या, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, तो हलों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो जब ग्राफ प्रतिच्छेद a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1, प्रतिच्छेदी बिंदु यही में कहलाता है, ठीक है। इसके हलों की संख्या कितना होता है, सिर्फ एक हल होता है, कितना होता है, सिर्फ एक हल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 के बढ़ते हैं, 13 में दिया द्विघात समीकरण 2x²-4x+3=0 का विवेचक होगा, ठीक है। तो डी बराबर आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, डी बराबर b²-4ac, ये नहीं होता, ठीक है। b का मान कितना है, तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का 4 गुने, और a का मान कितना है भाई, तो 2 अगुने, और c का मान कितना है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 -2 दुना 4 दुना 8 8 3 कितना हो, 24, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या होगा जी बताइए, तो घटाएंगे तो 16 -8 बजेगा ना, ठीक है। तो हमारा देखिए 8 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर देना सी में दिया हुआ सही आंसर। ओके चलिए अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 14 के बढ़ते हैं, 14 में, ठीक, 14 में दिया हुआ कहता है 0 और -4 -8 -12 का सार बनता है, ठीक है। तो सारांतर का फॉर्मूला क्या होता है, d = a2 - a1, यही ना होता है। तो a2 का मान कितना है, -4 है, तो -4 ई माइनस का ई माइनस ले गया है, ठीक है। और a1 का वैल्यू कितना है, 0 दिया, ठीक है। तो 4 में से 0 जाने क्या होगा, -4 ना बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सारा अंतर, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं, 15 में दिया हुआ है -3, यहाँ पर कौमा दिया हुआ, ठीक है। माइनस इसको कौमा, -3, 4, 11, 18 ... का 21वां पद, यहाँ पर क्या होगा, 21वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो 21वां पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ए का मान आपको दिया हुआ -3, ठीक है। और उसके बाद डी का मान क्या होगा भाई, तो डी का मान इससे घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में से घटाएंगे कितना, -3, तो -3 ले देंगे, ओके। तो -3 क्या होगा, +3 और यहाँ पर 4, तो 4 3 कितना होगा, 7। डी का मान क्या हो गया, 7। 21वां पद, तो a 21 = फॉर्मूला क्या होता है, a+20d होता है इसी। तो a का मान कितना है भाई, तो -3 ++ 20 का 20 गुने, और d का मान क्या बेटा, ठीक है। तो d का मान आपसे अभी यहाँ पर निकाले हैं, 7 निकला, ठीक है। तो 7 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बबू, यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 140 होगा बबू, और यहाँ पर -3 है तो -3, ठीक है। तो घटाएंगे बाबू तो क्या निकलेगा, 137 निकलेगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न काफी शानदार दिया हुआ बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 10, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना, प्रथम 10 पदों का, a का मान आपको दिया हुआ 2,
डी का मान निकालेंगे तो सात में से दो जाए क्या हो जाएगा, पांच मिल जाए। ठीक है, आपको दस पदों का योग निकालना है तो एन का मान आपको दस दे चुका है। ठीक है, पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एस एन बराबर तो है एन बाई टू इंटू में क्या होता है बाबू, यहाँ पर टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू बाबू डी होता है। ठीक है, ये जानते हैं बाबू। ठीक है, अब बस आपको मान बैठाना है बाबू। ठीक है, क्या करना है, मान बैठाना है। एन का मान दस बट्टा में टू इंटू में, और टू का टू गिने, और ए का मान क्या बाबू दो दिए होगा। ठीक है, यहाँ दिए दो, उसके बाद प्लस का प्लस इंटू में, और यहाँ पर एन का मान फिर से दस माइनस में वन इंटू डी का मान क्या है बाबू। ठीक है, तो डी का मान आपको दिया हुआ है, डी का मान आपको यहाँ पर पाँच ही दिया हुआ था, पाँच लिख देंगे बाबू। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए दो पंचे दस, पाँच का पाँच निकलेगा बाबू, दो दुना चार, और चार प्लस में, और घटाएंगे तो हो गया नौ, नौ से पाँच में नौ पंचे पैंतालीस हो जाएगा बाबू। ठीक है, पैंतालीस और चार के और उनचास, तो उनचास में अगर हम पाँच से गुना करते हैं तो कितना होगा, नौ पंचे पैंतालीस के पाँच पाँच हासिल कितना होगा एक, और नौ पंच पैंतालीस के पास हासिल है चार पंच बीस, नौ पंच पैंतालीस के पास हासिल चार, और चार पंच बीस, चार कितना हो चौबीस होगा, दो सौ पैंतालीस होगा बाबू। ठीक है, अब देखिए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह के, बढ़ते हैं सत्रह में दिया हुआ प्रथम एक हजार धन धन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, आपको एक हजार धन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एक हजार धन जो संख्या होगा वो क्या होगा। ठीक है, उसका योगफल ज्ञात करना, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, तो योगफल अभी ने बताया कि एस एन का फॉर्मूला लगाने, क्या लगाना बाबू एस एन का, तो एक हजार धन संख्या क्या है, एक प्लस में दो प्लस में तीन प्लस में क्या होगा चार, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एक हजार तक जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए ए का मान आपका एक हो गया, और डी का मान निकालेंगे तो दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, और एन का मान आपको लास्ट में संख्या जो है ना इधर दिया हुआ एक हजार। ठीक है, अब ए योग फार्मूला लाएंगे एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस में एन माइनस में वन इंटू में क्या होता है बाबू, यहाँ पर डी होता है बाबू। ठीक है, अब एन का मान क्या है बच्चों, तो यहाँ पर एन का मान एक का एक हजार दिया हुआ बच्चों, तो एक हजार लिख देंगे बट्टा में टू इंटू में टू का टू गुने, और ए का मान क्या है बाबू, तो यहाँ पर ए का मान एक है प्लस में, और एन का मान क्या है बाबू, तो एन का मान आपको एक हजार है, और माइनस में वन इंटू डी का मान क्या है बच्चों एक है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए काटेंगे तो क्या होगा, कटान करेंगे तो पाँच सौ निकलेगा बाबू, और दो एकम दो अब प्लस में घटाएंगे तो क्या निन्यानवे निकाल निन्यानवे से नौ सौ निन्यानवे हो जाएगा, एक हजार में से एक हजार एक जाएगा तो नौ सौ निन्यानवे बचेगा, और नौ सौ निन्यानवे में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा नौ सौ निन्यानवे हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ से देखिए पाँच सौ गुने और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा, एक हजार क्या होगा एक हो जाएगा। जब आपको इसको गुना करना है तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो कितना होगा पाँच सौ, पाँच सौ हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बाबू, यहाँ पर दिया काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहता है इस क्वेश्चन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए सारा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बाबू, यहाँ पर दिया कहता है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और इसका ए बी सी का जो भुजा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बारह सेंटीमीटर। सबका भुजा जो है ना बारह सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना वो तीनों अंग जो है ना क्या होता है बराबर होता है ना। ठीक है, तो इस तरह से ले देंगे। ठीक है, तो कहता है उसकी ऊंचाई क्या होगा, क्या पूछ रहा है ऊंचाई। ठीक है, अब सर क्या पूछ रहा है, ऊंचाई क्या होगा ये ना पूछ रहा है। ठीक है, तब ध्यान लीजिए ऊंचाई जो निकालेंगे तो यहाँ पर से इसकी ऊंचाई ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ऊंचाई निकलेगा तो ये आपका क्या होगा ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ पूरा बारह, तो ये आधा कितना होता है, ये छः निकलेगा, ये भी क्या निकलेगा छः निकलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ देखिए ये क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 90 समकोण डिग्री के सामने सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या होगा आधार हो गया, ये आपका क्या होगा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपको निकालना है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी। ठीक है, क्या निकालना है लंब, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है ना जी। ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है तो 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और माइनस आधार का मान 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो लंब का जो मान होगा आपका कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, घटा दो बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो इसको घटाएंगे तो 36 में से 144 में से 36 जाएगा तो क्या हो जाएगा
14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 0 गया तो 0, उसके बाद 1, ठीक है। रूट अंडर में क्या 108 है, ठीक है। जब इसका आप फैक्टर तोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा बाबू, ठीक है, फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे बताओ, ठीक है, तो 6√3 हो जाएगा, ठीक है, कितना निकलेगा 6√3। इस तरह से आप देख सकते हैं 108 का लगाएंगे 2 से, ठीक है, तो 2 5 10 और 4, यहाँ पे से फिर से लाएंगे 2 से तो 27, और यहाँ से फिर से लाएंगे तो क्या होगा 3 9 27, फिर से लाएंगे तो 3, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इस दोनों को जोड़ा मिला, इस दोनों का जोड़ा, दोनों में से एगो और इस दोनों में से एगो, और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको बाहर रूट अंडर में, ठीक है, तो 3 9 6 रूट क्या होगा 3 हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, और ये क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है और ध्यानपूर्वक समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस बात को एक मैं लॉजिक ट्रिक बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं अभी ये बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लॉजिक ट्रिक को ही समझते हैं, ठीक है। लॉजिक ट्रिक आपके लिए है ना एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होता करता है। दो समरूप त्रिभुज की भुजा जाना, जब दो संगत भुजाएं दिया हुआ है इस इतना और इतना, ठीक है, तब भुजा आपको दिया हुआ, ठीक है, तो कहता है उसके अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना होगा ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, कोई भी अंक रहेगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो वही होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देगा, ठीक है। अगर हमसे त्रिज्या पूछेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, जो संख्या आपको दिया हुआ वही हमारा आंसर होगा, इस बात को याद रखें। जैसे 3:5 दिया हुआ तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल पूछा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 के बढ़ते हैं। 20 में दिया बाबू यहाँ पर 6 -5 का एक नियामक क्या होगा, ठीक है, तो एक शख्स को क्या बोलते हैं, एक शख्स को आपको भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। अब वाई एक्स को क्या बोलते हैं, तो कोटी बोलते हैं, ये ना बोलते हैं कोटी, ओके कोटी सी, ठीक है। तो एक शख्स के नियामक बोला, ठीक है, तो एक नियामक क्या होता है, तो भुज होता है, ठीक है, एक शख्स का जो नियामक क्या होता है, भुज कहलाता है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 20 का क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, भुज क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए 6 कहाँ दिया हुआ, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया हुआ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा सही आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते हैं। 21 में बच्चों दिया हुआ कहता है कि +3 + 5 किस पद में स्थित है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, ये प्रथम पद होता है प्लस प्लस, द्वितीय पद में माइनस प्लस, तृतीय पद में माइनस माइनस, और चतुर्थी पद में प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस प्रथम पद, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ कथा देखिए, कथा क्वेश्चन क्या होता है, -3 - -4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, ठीक है। तो जैसे आपको दूरी निकालना है बच्चों, तो दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ, ठीक है, तो मूल बिंदु का जो दूरी होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी से बताओ, ठीक है, इस तरह से आप जानते हैं ना, इस तरह से आपको आराम से निकालना है, ठीक है। तो जब दो अंक दिया रहे तो यहाँ पर मूल बिंदु से 0.0 होता है, ठीक है, एगो दिया हो गया और -3 - 4 ये हो गया, ठीक है। इस पर भी आप दूरी सूत्र का फॉर्मूला लाएंगे या शॉर्ट को लगा लो, ठीक है, रूट अंडर में x² + y² ठीक है, x का मान -3 तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में y का मान 4 - 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट अंडर में 16 कितना 25 25 करोड़ कितना होता है 5 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख कलाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चला चलिए आगे बढ़ते हैं, चला अगला क्वेश्चन दिया हुआ कहता है बच्चों, कहता है बिंदु 2 - 2, 2, 3 और एवं -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लाएंगे x2 - x1 और उसका क्या हुआ होल स्क्वायर, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का क्या होगा होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में y1 - y2 का क्या होगा होल स्क्वायर, रूट अंडर में होगा, ठीक है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला आता है, x1 का मान 2 दिया होता है 2 का 2 - का -, और x2 का मान -2 दिया होता है -2 ले देंगे, ठीक है, और उसका क्या होगा जी, तो उसका अब यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर में लगाएंगे, ठीक है, प्लस का प्लस, और y1 का मान कितना दिया हो, तो y1 का मान आपको 3 दिया हुआ, ठीक है, तो 3 - और y1 का मान 3 और y2 का मान भी 3 दिया हुआ, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे, ओके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझ जाना है, 2 का यहाँ पर देखिए रूट अंडर लगाएंगे और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए -माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और उसका हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3 में से 3 जाएगा 0 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, 2 2 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट में क्या होगा 16, 16 का बाहर निकालेंगे रूट क्या होगा 4 हो जाएगा,
तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए कहाँ दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर चेला दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके आगे बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि यहाँ पर देखिए क्या करता है, क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है, आपको ध्यानपूर्वक रखने की जरूरत है। ओके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ कहता है यदि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, ठीक है, तो y अक्ष की जो दूरी होता है क्या पता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो 24 का क्या होगा जल्दी बताओ, ठीक है, तो भुज कहलाएगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो कोटि कहलाएगा, ठीक है, और वाई अक्ष की जो दूरी पूछेगा तो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, ठीक है, भुज x अक्ष की नियामक होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, x अक्ष से पूछेगा तो कोटि और वाई एक्स पूछेगा तो भूज होगा लाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बढ़ते हैं, 25 में दिया हुआ एक्स अक्ष के मूल बिंदु जो है ना -3.6 है तो उसकी दूरी क्या होगा, तो रूट अंडर फिर से फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में वाई का मान 6, 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर में इसको जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जैसे बताओ, ठीक है, तो 36 से 9 कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है, तो 45 के जब फैक्टर तोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, 45 का तोड़ देंगे तो वहाँ से 45 ले लेंगे 3 से 3, ठीक है, दोनों जोड़ा मिल गया तो बाहर और जोड़ा नहीं मिला तो अंदर, 3√5 होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 26 के बढ़ते हैं, 26 में दिया बिंदु 0.0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है, तो यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 का क्या होगा होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। ओके चलिए तो 36 दिया हो तो 36 - 0 का होल स्क्वायर और उसके बाद रूट अंडर में प्लस में y2 का मान कितना है भाई, तो y2 का मान 15 - 0 का क्या होगा होल स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है, अब 36 में 0 है 36 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 36 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है, तो जब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है, 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपको गुना कर लेना, ओके 36 से 36 में गुना करेंगे यहाँ पर ले देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपके क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना 36 से 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस 15 का स्क्वायर करना होगा 225 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे 225 को जोड़ेंगे क्या होगा जी, तो 1500 क्या होगा रूट अंडर में क्या होगा 1521, ठीक है, जब इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, तो 39 इकाई निकलेगा, क्या निकलेगा 39 इकाई, ठीक है, 1500 को हम क्या लिख सकते हैं 39 × 39 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह है, ठीक है, तो यहाँ पर से जो है ना यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसको काटेंगे यहाँ से रूट बाहर निकलेगा, ठीक है, 39 इकाई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27 बढ़ते हैं, 27 में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार बोर्ड एग्जाम खुद जो है ना पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जैसे आपको शीर्ष दिया हुआ है 2.3 और -1.0 और 2.4, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 में क्या होता है जल्दी से बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 101 हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस में क्या होता है 23 31 बार, तो -y ले देंगे प्लस में, उसके बाद ना प्लस में x2 उसके बाद यहाँ पर ले देंगे y - y पहले इस तरह से हम ले देंगे, ठीक है, प्लस में x3 उसके बाद यहाँ पर ले देंगे y - y। ओके ठीक है, तो 23 31 12, तो 23 31 12, ठीक है, इस तरह से ले देंगे। ओके अब क्या करना है, अब बस मान बैठा देना, ठीक है, तो ये आपका क्या है x1 है, ठीक है, ये आपका क्या है x1 है, ये आपका y1 है, ओके, ये आपका x2 है, ये आपका y1, ओके, और ये आपका y2 है, ओके, ये आपका है ना x3 है और ये क्या है y3 है, ठीक है, ये है, ठीक है, अब इस पर मान बैठाते जाओ, बस हो गया, ठीक है, तो x1 का मान कितना है, तो 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर ले देंगे 2, ठीक है, ये आपका y1 है, ओके, प्लस का प्लस इंटू में, और y2 का मान कितना दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको y2 का मान बैठा देना, ठीक है, तो y2 का मान देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ, ठीक है, तो 0 ले देंगे, ठीक है, -y1 का मान कितना दिया हुआ, तो y1 का मान यहाँ प्लस है कि माइनस, अच्छा माइनस है, ओके ठीक ठीक है, माइनस दिया हुआ, ठीक है, तो माइनस ले देंगे, और y1 का मान कितना दिया हुआ, y1 का मान जो है ना आपको दिया हुआ कितना 3 दिया हुआ,
ओहो, यहाँ पर देखिए Y2 का मान ये है, यहाँ पर मैंने Y2 का मान नहीं लिया था। ओके, अब Y3 का मान ले लो। Y3 का मान कितना, -4 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 4। ओके, प्लस का प्लस। और X2 का वैल्यू देखिए, X2 का वैल्यू आपको माइनस में 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब वहाँ पर देखिए Y1 का मान, Y हो गया ना, Y3 का मान कितना है, तो -4 है, तो माइनस में 4, और माइनस का Y1 का मान कितना है, तो भाई तो Y1 का मान आपको दिया हुआ यहाँ पर 3 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर X3 का मान 2 दिया हुआ, ठीक है, तो 2 लिख देंगे, और 3 -0 इसका मान रख दिया, Y1 और Y2 का मान मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, 1/2 का 2 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 प्लस में क्या होगा, 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके तरह उस तरह से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुना ना होता है, सॉरी यहाँ पर गुना होता है, ठीक है, X1 × में वाई, यहाँ पर गुना होता था, 4 × 2 कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से गुना हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर से गुना हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 2 गुना, तो 4 × 2 कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस का माइनस, अब देखिए 4 और 3 के अलावा 7, -7 यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, +7 हो जाएगा, ठीक है, 7 से 1 में गुना रहता तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 में से 0 हो जाता है 3, और 3 × 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, तब प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़, 1/2 × में, और 8 7 15 6 कितना होगा, 21, ठीक है, तो गुना में है, तो 1/2 × 21, ठीक है, इसको हम 21/ क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं, ये इतना इकाई हो जाएगा, 21/2, ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ सही आंसर। ओके, इस तरह से समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। उसमें 28/2 होता है a/4 = 15 है डिग्री, ठीक है, तो a α/4 = क्या है, 15 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, कहता है √3 cosec a α का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, तो a से गुना करेंगे 1 में तो a, और 15 से गुना करेंगे 4 में तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान आपको होगा ना 60 डिग्री, तो अब जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ वहाँ मान रख दें, तो √3 × और कॉसेक का कॉसेक और अल्फा का मान 60 डिग्री, ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है, तो 2/√3 होता है, ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना, 2/√3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए चेला कहाँ दिया और सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब दिया हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है tan θ = 4 है, ठीक है, तो देखिए tan और थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 4, तो थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो tan और यहां से निकालेंगे क्या भाई, tan θ क्या निकालेंगे, tan θ = क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ ना जी। यहाँ देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग गलत है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, 4 tan θ, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, बराबर क्या होगा, 4, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan θ बराबर क्या निकलेगा, 4 और 4/2 में, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, 4 4 से 4 करना है, 1 मत है, ठीक है, तो tan θ यहाँ पर होगा, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, 1। अब tan कितना डिग्री का मान, 1 होता है, ठीक है, तो tan जो है ना आपको 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये ना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना tan 45 डिग्री लिख देगा, ठीक है। अब tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या निकला, थीटा का मान आपको है ना 45 डिग्री निकलेगा, ठीक है, थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और बिल्कुल ईजी स्टेप में समझिए, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, समझिए, क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, नोट्स बस बना लेना। ओके, आगे क्वेश्चन दिया कहता है कि यहाँ देखिए sin a × cosec a = क्या होता है, ठीक है, तो sin θ को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec θ लिख सकते हैं, cosec a लिख सकते हैं, आपको दिया हुआ है दोनों में से कोई एक के को चेंज करना। ओके, कॉसेक के दिया हुआ, ठीक है, कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, 1 बच जाएगा ना जी, क्या होगा इसमें, देखिए इसमें जो है ना कुछ ऑप्शन ही गलत शायद दे दिया, ठीक है,
हाँ इसमें कुछ गलत ऑप्शन दिया। ओके चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बढ़ते 31 में दिया हुआ कहता है, क्या कहता है देखिए, कहता है साइन 20 डिग्री और माइनस कॉस ऑफ द डे। ठीक है, तो साइन और 90 माइनस और थीटा, थीटा कितना 20, तो 90 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 70 डिग्री बचेगा। ठीक है, और दोनों में से एक के वो चेंज करना है। ठीक है, जैसा भी ये सवाल आएगा ना तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगना ही है, तो लगना है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस और थीटा ये कितना दिया, 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। ठीक है, तो इससे इस कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा सही आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 32। बढ़ते 32 में दिया हुआ कथा, किसी वृत्त के दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहता है। ठीक है, तो एक कोई एक वृत्त है, ठीक है, उसके दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा क्या होते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। बढ़ते 33 में दिया कहता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने कितने स्पर्श बिंदु पर जो है ना काटती है। ठीक है, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, उसे एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, जो छू कर जाता है, समझे, कितना, एक ही बिंदु पर जो है ना स्पर्श करेगा, समझे ना, सही है, सही है। ठीक है, या कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बोलेंगे सर ये अनंत, इनफाइनाइट। ओके याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 34 के बढ़ते कहता है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़ कर। ठीक है, वृत्त बोल रहे हैं, तो सबसे पहले वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो ना ये त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना दिया, 28 दिया हुआ। ठीक है, कहता है तार को मोड़ कर एक वर्ग बनाया गया। ठीक है, तो कहता है वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है, अच्छा 28 सेंटीमीटर वाले जो एक वृत्त है, ठीक है, इसी को इस वाला को जो मोड़ कर जो है ना, इस वाला को जो मोड़ कर क्या बनाया गया, तो एक का जो है ना एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ग बना लिया। ठीक है, अच्छा वर्ग बनाया गया। ठीक है, कहता है इस वर्ग बनाया गया है तो इसकी भुजा की लंबाई। ठीक है, अच्छा ये जो बनाया गया है वर्ग, वो क्या जिसे मोड़ कर, इसी को मोड़ कर, इसी वाला ये जो पार्ट देख रहे हो ये ऊपर वाला, ठीक है, इसी को मोड़ बनाया गया। ठीक है, अभी जो मोर है ये क्या कहलाता है बताइए। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये 2πr होता है। ओके चलिए, अब यहाँ से देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अब यहाँ से 2 का 2 अगुण है, और यहाँ पे देखिए आपको त्रिज्या दिया हुआ कितना, आर, आर का मान कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ। ठीक है, तो अब पाई का मान 22/7 अगुने, और आर का मान क्या लिखेंगे, 28 ले देना। ठीक है, अब 7 चौका कितना हुआ, 28। ठीक है, 4, और यहाँ से देखिए, और यहाँ पे क्या निकलेगा भाई, तो 22 2 44, 44 अगर आप 4 में गुना करें तो 4 चौका 16, 16 के 6 से लेकर 4 चौका 16 176 निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ना 176 जो इसका जो है ना यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कहता है कि वर्ग की भुजा, ये जो देख रहे हो ना ये भुजा है, ये सब क्या है, वर्ग के 4 भुजा है, वर्ग के कितना भुजा है, 4 भुजा। ठीक है, तो भुजा जो बनाया गया है, ये जो रेखा रेखा चारों रेखा से मिलकर बनाया गया भुजा। ठीक है, तो इस भुजा का नाम क्या होता है, परिमाप या परिधि होता है। ठीक है, तो वर्ग की परिमाप या क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, तो 4 गुने भुजा, अब भुजा का मान कितना दिया पूरा, ठीक है, 176 दिया हुआ। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे वर्ग का परिमाप। ओके, माप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, अब भुजा का मान कितना दिया हुआ, 176 दिया हुआ, यह नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यहां से भुजा निकालेंगे, तो भुजा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर 176 और बट्टा में ये गुना में, तो भाग में आएगा 4। ठीक है, 4 चौका 16 एक सौ यानी कि 44 निकल जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही आंसर। चला ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बढ़ते 35 में चला दिया कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, एक वृत्त उसकी त्रिज्या क्या कर दिया, आधी कर दिया जाए, तो पुराने
तथा नए वित्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नए वित्तों परिधि और उसका है ना पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एक वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वृत्त मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा वृत्त उसके आधा करना है ना, इस वृत्त का जो ना ये आधा है, इसका आधा आर बटा टू है, ठीक है, इसका आधा अधिक कर दिया है तो उसका अनुपात क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक वृत्त तो ये है और दूसरा ये है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं अभी मैंने बताया, ठीक है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है बट्टा में, और यहाँ पर दूसरा परिधि नया परिधि ये नहीं बना, ये आपका पुराना परिधि हो गया, आपका नया परिधि हो गया, ठीक है, तो 2 पाई आर हो गया। ठीक है, टू पाई से 2 पाई कट जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका आधा, आर का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका आधा, ठीक है, तो आर बट्टा में यहाँ पर आर बट्टा में क्या होगा, टू, ये गुना में दिया हुआ है तो इसको हम पलटेंगे तो आर और गुने क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो आर बट्टा में क्या होगा, टू, टू से टू कट जाएगा। ठीक है, तो दो एकदम दो, ऊपर क्या बचा, दो, आर से आर कटेगा तो आर से आर कितना मटे कटेगा, एक मटे कटेगा ना जी, तो 2 अनुपात क्या होगा, 1, 2:1 हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेला सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो 44 परिधि आपको दिया हुआ कितना, 44 मीटर। ठीक है, अब वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, आपको आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 44 का 44 से बराबर 2 × π का मान 22/7 अगुने आर का, आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा, 44 × 7 बट्टा में, ये जो नीचे वाला ऊपर में गुना में हो जाएगा, गुना वाला नीचे में भाग में हो जाएगा, 2 × 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 × 44, ठीक है, हो जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7, आर का मान क्या, त्रिज्या ना पूछ रहा है, आर का मान हो जाएगा 7 मीटर, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, और इस क्वेश्चन को समझिएगा गौर से, नहीं तो आपको बाउंस मार सकता है। ठीक है, इससे पहले भी जो क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन को आप देखें, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कहता है एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर, तो जो पहिया जो होता है वो क्या होता है, किसी भी गाड़ी का जो पहिया होता है वो गोल होता है ना, इसका व्यास दिया हुआ क्या 40, तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, 20 निकल जाएगा, इसका त्रिज्या हो गया 20। ओके, कहता है 176 मीटर दूरी तय करने में इस पहिए के कितने चक्कर लगा पाएंगे। ठीक है, तो जब 176 मीटर दूरी जब तय करेगा तो ये पहिया कितना मीटर जो है ना इस तरह से चलेगा तो लगा पाएगा, ठीक है, चक्कर लगा पाएगा, ये चक्कर कितना बार घूमेगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा, ठीक है, तो ये जो चक्कर घूमेगा, ये चक्कर ये वाला ना ऊपर वाला ना घूमेगा, ठीक है, ये वाला घूमेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पहिया का परिधि निकालना है। ठीक है, पहिया का परिधि जो ना होगा वो क्या घूमेगा, वृत्त की परिधि घूमेगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये ना होता, ठीक है, अब यहाँ से 2 का 2 अगुने, पाई का मान 22/7, 22/7 अगुने, और आर का मान क्या दे दिया, 20 दिया, ठीक है, तो 20 लिखने को। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, जैसे काटेंगे तो क्या होगा भाई, हाँ, 22 × 44 44 से आप 20 में गुना दे, 44 × 88/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना ले जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना निकल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अब निकला ये क्या है, ये आपको सेंटीमीटर भी है दिया हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको निकालना है मीटर में। ठीक है, तो मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग करने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पर 176 जो है ना, यहाँ पर पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ओके, मीटर पहले बदल लेते हैं, चलिए, तो 88/7 × 100, ठीक है, मीटर में बदलने की 100 से गुना करेंगे। ओके, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 10 सप्ते 70 और 88 हो जाएगा। ठीक है, तो 88 बता क्या होगा, 70 निकल जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो क्या होगा, 35, और इधर काटेंगे तो क्या होगा, 44 होगा ना जी। ठीक है, इतना क्या है, इतना एक मी, यहाँ पर जो ना ये यहाँ पे
176 मीटर दूरी, 1 मीटर दूरी इतना है, तो 176 मीटर दूरी कितना होगा? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 176 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे बाबू? बिल्कुल ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करने का पड़ेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हुआ, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो 176 * 35 में क्या होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, 44 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 4 मरते कटेगा, और जब इसको गुना है 4 * 5 = 20, और यहाँ पर क्या निकलेगा भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 * 5 = 20, 4 * 3 = 12, 13 = 14, 140 निकल जाएगा। ठीक है, 4 * 5 = 20 का 0 हासिल, 2 और 4 * 3 = 12, दो कितना, 14, 140 से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, चला सही है सर, ओके 140। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 बढ़ते हैं। 38 में दिया हुआ कहता है, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर का, उसका अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ? ठीक है, तो जब अर्धवृत्त की आपको त्रिज्या, आपको आर का मान दिया हुआ 7, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ही जाकर आपको बनेगा। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है π r + 2 r, ये होगा, r कॉमा लेंगे तो क्या होगा, π + में क्या होगा, 2 बचेगा, ये ना बचेगा। ठीक है, अब r का मान क्या है भाई, तो r का मान 7 रखते हैं, 7 का 7 * π / 22 = 7, π + और 2 का 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, और इंटू में 7, और उसके बाद यहाँ पर 22, अब प्लस में क्या होगा, 7 * 2 = 14। ठीक है, निकालेंगे तो 36, तो 7 * क्या होगा, 36 / 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अर्धवृत्त की परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, या परिधि निकाल सकते हैं। कहता है दो वृत्त की परिधि इतना दिया हुआ, ठीक है, तो उसका त्रिज्या, जब आपको परिधि दे चुका है तो त्रिज्या निकालना है, तो याद रखे कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2:3 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट लगाना है, क्योंकि आपको टाइम बहुत बचाना है। ठीक है, जितना आप टाइम बचाओगे उतना जो है ना आपको यहाँ पर बन पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ऐसे भी निकाला, दो वृत्त परिधि, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 π r होता है, यह ना होता है। ठीक है, अब बट्टा में 2 π r, दो वृत्त के अनुपात निकालना है, पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान 2 है, अब बट्टा में R2 का मान कितना है, 3 ही है। ठीक है, तो 2:3 क्या होगा, 3, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, थीके? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं। 40 में दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है ना 21 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी थी इस तरह से घड़ी। ठीक है, उसकी जो है ना, ये जो ना, ये जो सुई है, सुई ये जो सुई है, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर टिक 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 चलते चलते यहाँ पर यहाँ तक आएगा। ठीक है, और यहाँ तक 10 मिनट। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, 10 मिनट में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो घड़ी जो घूमता है वो पूरा अगर घूमेगा तो कितना घूमेगा, वो तो 60 मिनट घूमेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट घूमेगा तो क्या होगा, 360, अब बट्टा में 60 का काटेंगे तो क्या होगा, तो 6 निकल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 6, अब 10 मिनट की बात किया है तो 10 मिनट में क्या होगा, तो 60 निकल जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में 6 * 10, तो 10 कितना, 60 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ठीक ठाक मान कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब जब यहाँ पर से जब ये रचित जो रचा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बजेगा, त्रिज्या खंड बन गया, क्या बजेगा, क्या बन गया, त्रिज्या। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा, रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक ठाक बटा 360 * क्या था फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ठीक ठाक बटा 360 * π r² होता है, π r² ये नहीं होता। ठीक है, ठीक ठाक का मान क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, बट्टा में 360 * π / 22 * 7 * और आर का मान कितना है, तो आर का मान आपको दिया हुआ ना, 21 21 * क्या होगा, 21। ओके, समझ रहे ना बाबू? ठीक है, इसे ही कट जाएगा, 6 * 6 = 36, 1/6। ठीक है, 7 का 7 = 17, 3 मरते कटेगा, और यहाँ पर 6 होगा 2 3 1 यहाँ पर 3 * 7 = 21। ठीक है, 3 * 7 = 21, और बट्टा में क्या होगा, यहाँ पर 21 से 22 में गुणा करें, यहाँ पर 21 से
ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको, गुना करना पड़ेगा, नहीं 22 दूना 44, इस तरह से गुना करना, सही से कर ले। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर मैंने काट दिया इसको, ठीक है, देखिए कैसे काटा, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 जगह 36, 1/6 निकला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 1/6 निकला तो 2 से काटे तो 3 मरतबा, ठीक है, 2 से काटे तो 11 मरतबा, ठीक है, 3 से, यहाँ पर देखिए 7 के बराबर में 21, 3 मरतबा कट रहा है तो 3 से 3 मैंने यहाँ पर नीचे में काट दिया, ठीक है। तो इधर बच गया क्या आपका, 11 गुने 11 गुने क्या बच गया, 21 हो गया, ठीक है। जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 331 हो जाएगा, 231 हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, सही आंसर, ओके बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कहता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, और यह भी क्वेश्चन आपको जो है समझने के लायक है, और ये समझ गए क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। कहता है यदि एक शंकु की त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है, अब उसकी त्रिज्या दिया हुआ 14, ठीक है, यदि इसकी त्रिज्या कुछ है, ठीक है, तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से शंकु बनाया गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई जो है आपको दिया हुआ है 15, ठीक है, ठीक है, तो इसका मान 15 हो गया, नो एल का मान 15 हो गया, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई का मतलब एल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस में आर होता है, ये ना होता है, ठीक है, पाई का मान 22/7, हाँ अगुने, और आर का मान क्या है भाई, 14 दिया होता है, 14 इंटू में, और एल का मान कितना था 15, और प्लस में आर का मान कितना आता है 14 दिया हुआ, ठीक है, एल का मान ये 15 दिया हुआ, ठीक है, 15 14 कितना 29 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 दूना 14, 2 से लाएंगे 2 से गुना करेंगे तो 44, ठीक है, जब इसको आप गुना करोगे, ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो 1200 कितना होगा, 1200 1276 हो जाएगा, ठीक है, 1200 कितना होगा 76, ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 43 42 के बढ़ते हैं, 42 में दिया हुआ है, कहता है एक घन का आयतन इतना है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो घन का आयतन सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यों, ठीक है, इसका मान भी कितना दिया हुआ 27 44, ठीक है। जब आपको यहाँ से ए निकाल लेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर में घन क्यों हो जाएगा 27 का, ठीक है, तो 27 का जब आप क्यों करोगे तो क्या होगा बताओ, तो 14 निकलेगा, तो ए का मान कितना 14, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, तो घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो भुजा मतलब a a का स्क्वायर, ठीक है, ये ना होता है, ठीक है, तो 6 का 6 गुने और a का मान 14 गुने 14, ठीक है, तो 14 से 14 गुने होता है 196 गुने 6, ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 6 जगह 36 और 1176 आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा सही सर, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के, बढ़ते हैं 43 में दिया हुआ क्वेश्चन कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया है, ठीक है, एक गोले है उसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को क्या करते हैं 3 गुना कर दिया, ठीक है, 3 गुना कर दिया जाता है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यों होता है, ठीक है, तो 4/3 और पाई का पाई अगुने और आर का मान क्या है, तो आर का मान आपको 3 आर, ठीक है, 3 गुना है तो 3 आर, ठीक है, उसका क्या होगा क्यों हो जाएगा, ठीक है, तो 4/4/3 और पाई का पाई अगुने और 3 का क्यों करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 अगुने आर का क्यों करेंगे तो आर क्यों हो जाएगा, ठीक है, आर क्यों, ठीक है, यहाँ से 27 कॉमा यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 और पाई आर क्यों, ठीक है, अब ये पाई आर जो है 4/3 पाई आर क्यों, किसका फॉर्मूला है, गोले का फॉर्मूला, ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला है, और ये कितना गुना है 27 गुना, ठीक है, 27 गुना हमारा क्या हुआ आंसर हो जाएगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 44 हो गया, 44 के बढ़ते हैं, 44 में दिया हुआ क्वेश्चन कहता है काफी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, ठीक है, 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर क्या हुआ, ठीक है, परिसर पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका है, तो सबसे बड़का 30 दिया हुआ है, तो 30 में से सबसे छोटका कितना 9 दिया हुआ, ठीक है, तो 9 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 21 बजेगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 से बढ़ते हैं, 45 में दिया हुआ कहता है 3 लगातार प्रकृत संख्या का माध्य क्या होगा, ठीक है, प्रकृत संख्या 1 2 3, ठीक है, 3 लगातार प्रकृत संख्या हो गया, उसका माध्य पूछ रहा है, तो तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे 1+2+3 और टोटल संख्या क्या होगा 3 हो, ठीक है, तो 2 एकम 2
एक तीन 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 के ना 6 बट्टा में 3 काटेंगे तो क्या होगा, 2 निकल जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 2 होगा बाबू। ठीक है, समझ रहे बाबू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ 46 के बढ़ते हैं, 46 में दिया हुआ कहता है प्रथम 10 समप्रकृत संज्ञा का मान क्या होगा। सम प्रथम 10 को सम संज्ञा, ठीक है, तो 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 रहेगा, ये 10 को पूरा जाएगा। ठीक है, अब इसका माध्य पूछ रहा है तो सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 110 हो जाएगा। और जय वो संख्या उसके भाग करेंगे, ठीक है, तो 10 से भाग करेंगे, 10 वो संख्या, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 के बराबर में 11 के मरते हैं, 11 मरते हैं, अब समझ जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं। 47 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47 कहता है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्या तो 1, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 5 वो संख्या हो गया। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, तो सबको जोड़ दो। ठीक है, 3 × 4, 4 × 5, 9, 9 × 9, 18, 7 × 9, 25। ठीक है, अब बट्टा में क्या होगा, टोटल संख्या कितना है, तो 5 × 5 = 25 ठीक है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है बहुत आराम से समझ सकते हैं। ओके, हाँ, तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक जो बार बार रिपीट होता है क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो जी यहाँ पे देखिए 7 बार बार रिपीट होता है क्या कहलाएगा, बहुलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 के बढ़ते हैं। 49 में दिया हुआ है कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या नहीं है, ठीक है, मानक विचलन नहीं है, क्या है, मानक विचलन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं। 50 में दिया हुआ कहता है 8, 7, 12, 15, 10, 9 का माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है, तो 7, उसके बाद क्या है, उसके बाद 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या है 15 है। ठीक है, इधर से 3 को छाट लो, इधर से 3 को छाट लो, बीच में क्या होगा 10 बजेगा। ठीक है, हमारा ये आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 प्रश्न कर लिए, जिनमें से जो है ना 50 में से 50 कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।